हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ ईशा और एक बार फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी। तो फिर चलिए मज़ेदार सी रेसिपी के मज़े लेते हैं। हमारी आज की रेसिपी है चीज़ से ओवरलोडेड, बेहद आसान, बेहद टेस्टी। और हाँ, अगर आपको वो क्रिस्पी वाला आलू खाना पसंद है ना, तो बस इसको एक बार बना के ट्राई कर लीजिएगा, तबीयत खुश हो जाएगी, कमाल की बनती है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है एक बड़े साइज का आलू, जिसको मैंने छील के वॉश कर लिया है। इसके बाद इसके हमें पतले पतले स्लाइसेस कट करने हैं, ये देखिए इस तरह से। तो मैंने सारे स्लाइसेस इस तरह से कट कर लिए हैं। इसके बाद इसको 3 से 4 पानी से अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, इसका सारा स्टार्च जो है वो निकल जाए। तो ये हो गए हैं। और अब एक पैन में मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून ऑयल। फ्लेम को लो कर देंगे और एक एक करके ये जो आलू के स्लाइसेस हमने कट किए थे ना, वो इसमें इस तरह से अरेंज करते जाएंगे। तो जितने आपके पैन में आ जाए ना स्लाइसेस, उतने ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा मत रख दीजिएगा। एक छोटा सा टुकड़ा मैं बीच में लगा देती हूँ, ये देखिए। बहुत ही कमाल की रेसिपी हमारी तैयार होने वाली है, बेहद पसंद आएगी आपको। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। बस इसको कवर करके हम फ्लेम को कर देंगे लो। और अब एक बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। ये हो गया। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हो गया है। और अब पैन का कवर हटा के आलू को देख लेते हैं। हमारे आलू बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम मोज़रेला चीज़। मैंने इसको इस तरह से रफली चॉप कर लिया था। और उसके ऊपर से ये जो अंडे हमने बीट करके रखे थे वो डाल देते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी हमारी बनने वाली है। पहले भी मैं आपके साथ चीज़ की, अंडों की और आलूओं की बहुत रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, बढ़िया बनती है। तो बस अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं थोड़ा सा ओरिगेनो सीजनिंग्स। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद सबसे पहले इसको कवर करके हम कुक होने देंगे लो फ्लेम पे, तब तक जब तक कि अंडे की जो ऊपरी सतह होती है वो अच्छी तरीके से पक ना जाए। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ही अंडे की ऊपरी सतह अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से कितना बढ़िया सा कलर आया है। हमारे आलू बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। और वाओ, ये कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, मैं वेट नहीं कर सकती हूँ कि आपको उसको कट करके दिखाऊँ। बहुत ही गजब का स्वाद आएगा, क्रिस्पी आलू साथ में ढेर सारा चीज़ और ऑमलेट का स्वाद भी आता है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगी। डू ट्राई।